हेलो फ्रेंड्स, ये 501 DL.ED के जो 501 पे हैं उसके क्वेश्चन पेपर है विद, तो आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो ये 10 क्वेश्चन में फर्स्ट है, अधोमुखी अनुसंधान सिद्धांत की योजना किसके द्वारा तैयार की गई? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का गठन कौन से वर्ष में किया गया? सेकंड, थर्ड क्वेश्चन है, नागरिकों के 10 मौलिक अधिकारों भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल हैं? फोर्थ है, भारत में प्रारंभिक शिक्षा है कक्षा 1 से 10, 1 से 5, 1 से 8, कक्षा 5 से 8। तो इससे सही ऑप्शन आपको आंसर्स देने हैं। फिफ्थ है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किसके द्वारा प्रस्तावित था? तो किसके द्वारा प्रस्तावित था? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अगर आप ये रीड आउट करेंगे सारे क्वेश्चन तो उनके आंसर ईजिली मिल जाएंगे। मैं आंसर्स आपको बता रही हूँ ताकि आप इसको सॉल्व करके देखें। तो सेतु विद्यालय मॉडल किसके लिए अपनाया गया? तो ब्रिज स्कूल मॉडल किसके लिए अडॉप्ट किया गया? DPEP, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DPEP। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? जर्मेंटियन कॉन्फ्रेंस के प्रतिभागियों ने किस अधिकार की पुनः पुष्टि की? पार्टिसिपेंट ऑफ जर्मेंटियन कॉन्फ्रेंस ही अफॉर्म द राइट्स ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि E9 देशों के अर्थ लिखे अर्थ है क्या? अर्थ है E9 कंट्रीज़ का मीन क्या है? 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारत संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क शिक्षा का जो अभी जो निःशुल्क शिक्षा का जो अनिवार्य किया गया वो किस संविधान के और किस अनुच्छेद में दिया गया। तो ये तो गए सेक्शन फर्स्ट के 10 क्वेश्चन। अब तक सेक्शन सेकंड के क्वेश्चंस हैं जो कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, और टोटल 6 क्वेश्चंस करने हैं 10 में से 5। तो ये जो 6 क्वेश्चंस हैं ये अच्छे से, मतलब 10 क्वेश्चन अगर आप इसके पूरे क्लियर कर, तो ये जो क्वेश्चन है अगर आप इसके 10 क्वेश्चन पे कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन ईजिली आप पेपर में करके आएंगे। 5 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो 25 मार्क्स ईजिली आपको दे जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ SSA, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रीजंस ऑफ फॉर नॉन अचीवमेंट ऑफ गोल्स ऑफ UE, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त न कर पाने के कारण लिखिए। नेक्स्ट है, स्टेट द मेजर थ्रस्ट एरिया ऑफ शेपिंग द विजन ऑफ जर्मेंटियन कॉन्फ्रेंस, तो जर्मेंटियन कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य को पूरा करने हेतु प्रमुख क्षेत्रों को लिखिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फॉर इन्वॉल्विंग कम्युनिटी इन माइक्रो प्लानिंग प्रोसेस, समुदाय को माइक्रो प्लानिंग प्रक्रिया में शामिल करने के क्या चरण हैं? नेक्स्ट जो है वो है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित बाल अधिकारों को लिखे, स्टेट द राइट्स ऑफ चाइल्ड एज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, प्रारंभिक शिक्षा के विकास में BRC और CRC की भूमिका एवं तहत को लिखे, स्टेट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ BRC एंड CRC इन डेवलपिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा में चिंतन से शिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज रिफ्लेक्टिंग टीचिंग इंपॉर्टेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन? ओके, नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर समावेशी शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? वाई इज इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट एट एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल? नेक्स्ट है, राइट डाउन द साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑफ UE एट स्टेट इन NP 1996, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वर्धा योजना जो है, स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन एज गिवन वर्धा स्कीम ऑफ 1937, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उम्मीद करते हैं अगर 10 क्वेश्चन भी अच्छे से रीड आउट करते हैं तो आपकी ये जो सेक्शन है इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सैम्पल पेपर में से ही आपको बता रही हूँ मैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही जो है उनका कलेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन है सी, जो कि 600 शब्दों में इनके 2 आंसर्स को लिखना है। 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऑप्शन है आपके पास 2 करना है 4 में से। तो इसके क्वेश्चन है, एनालाइज द स्टेट ऑफ एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी चिल्ड्रन इन योर स्टेट, अपने राज्य में पिछले बच्चों की शिक्षा का विश्लेषण कीजिए। राइट डाउन द इम्पैक्ट ऑफ DPEP एंड एलिमेंट्री एजुकेशन इन योर स्टेट, अपने राज्य में प्रारंभिक शिक्षा में DPEP का प्रभाव को डालिए। DPEP बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवसायी शिक्षक होने के नाते आप प्राचीन गुरु की कौन सी विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे? कई 3 कारण दीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। विच ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एंसिएंट गुरु यू वुड लाइक टू प्रैक्टिस एज अ प्रोफेशनल टीचर, गिव 3 रीजंस एंड एग्जांपल दें। ओके, समावेशी शिक्षा के क्या लाभ हैं? समावेशी शिक्षा के संदर्भ में अपने आपके राज्य द्वारा किए गए प्रयासों को चर्चा कीजिए।
So what are the advantages of inclusive education, and discuss what steps have been taken up by your state in this regard. तो ये तो थे आपके क्वेश्चंस, उम्मीद कर